बसमिल्ला रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट डायलेक्ट जियोग्राफी रीजनल डायलेक्टोलॉजी द वर्क ऑफ विलियम लेपो सो इन टॉपिक्स को समझने से पहले हम डायलेक्ट को समझते हैं डायलेक्ट है क्या देखो डायरेक्ट जो है ये एक वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है जहाँ हमारी ग्रामर प्रोनसीशन वोकेबलरी जो है चेंज हो जाती है इन अ स्पेसिफिक एरिया बाय अ स्पेसिफिक ग्रुप फिर इसको हम कैटेगराइज करते हैं स्टैंडर्ड डायलेक्ट में और नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट में अब स्टैंडर्ड डायलेक्ट क्या है स्टैंडर्ड डायलेक्ट वो डायलेक्ट है जो हमारी इंस्टीट्यूशन अप्रूव करती है सपोर्ट करती है और नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट वो है जो हमारी इंस्टीट्यूशन जो है अप्रूव और सपोर्ट नहीं करती एक एग्ज़ाम्पल है जैसे मैं कहता हूँ आई हैव गॉट अ न्यू डस्टबिन सेकेंड सेंटेंस इज़ आई हैव गॉटन अ न्यू डस्टबिन या आई हैव गॉटन अ न्यू गारबेज अब यहाँ पे क्या फ़र्क है डस्टबिन देखो वो भी एक वर्ड है और गारबेज द सेम इन अदर वर्ल्ड और आई हैव गॉट या आई हैव गॉटन अब यहाँ पे हमने डिफरेंट वर्ड और सेंटेंस यूज़ किया लेकिन मीनिंग जो है वो एक ही है वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग सो आई होप आपको अब आप डायलैक्ट की समझ आई होगी अब बात करते हैं डायलैक्ट जियोग्राफी की कि डायरेक्ट जियोग्राफी है क्या डायलैक्ट जियोग्राफी ये एक मेथडोलॉजी है जो ओवरऑल वर्ल्ड में होती है और यहाँ पे हम क्या करते हैं एविडेंस जो है इकट्ठा करते हैं डायरेक्ट्स के डिफरेंसेस के बारे में द रिजर्जेंस ऑफ डायलैक्ट जियोग्राफी बिगेन इन द 1980s. तो ये कब स्टार्ट हुआ था 1980s में और अब ये जो है एक ब्रांच बन चुका है लिंग्विस्टिक्स में डायलिटॉलोजी सो so ये कब ये प्रेस जो है रिलीज़ हुई थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से इन 1998। बात करते हैं रीजनल डायलक्टॉलोजी के बारे में रीजनल डायलेक्टोलॉजी को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं रीजनल डायलेक्ट है क्या देखो रीजनल डायलेक्ट इज़ आल्सो कॉल्ड या आल्सो नॉन अ रिजियोलेक्ट और टोपोलैक्ट यहाँ पे क्या होता है अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन अ पर्टिकुलर एरिया या जियोग्राफिकल एरिया दुनिया के किसी भी कोने में एक स्पेसिफिक डायलेक्ट बोली जाती है अब इसकी बेस्ट एग्जाम्पल ये है जैसे मैं कुछ वोकेबलरी यहाँ पे बोलूँगा मूवी कुकी हॉलीडे अब ये सारी वकीबलरी जो है यू में यूज़ होती है लेकिन यू में क्या होता है यू में मूवी की जगह सिनेमा यूज़ होता है कुकी की जगह जो है बिस्किट यूज़ होता है और हॉलीडे की जगह वोकेशन यूज़ होता है इसी तरह ग्रामर में डिफ्रेंशिएट हो सकता है जैसे आई हैव लॉस्ट माई माई पेन ये ब्रिटिश है आई लॉस्ट माई पेन ये यू है और इसी तरह हैवाबाद ये जो है ब्रिटिश है एंड ठेक आबाद ये जो है यू एस है सो दिस कम्स इन रीजनल डायलैक्ट अब रीजनल डायलैक्टॉलोजी क्या है रीजनल डायलक्टॉलोजी भी यही है कि जो बाउंड्रीज हैं मीनस जो बॉर्डर के दूसरे पार जो लोग डायलैक्ट यूज़ करते हैं वो किस वे से यूज़ करते हैं और उनमें क्या फ़र्क है जो बॉर्डर के इस साइड यूज़ कर रहे हैं दूसरे लोग तो ये जो है हम रीजनल डायलक्टॉलोजी में यूज़ करते हैं अगर इसकी बेस्ट प्रॉपर डिफिनीशन ये है द सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्विस्टिक्स डायलैक्ट सेट्स सर्टन पैरामीटर्स फॉर अ लैंग्विस्टिक कोड टू बी अ लैंग्वेज और डायलैक्ट अब लैंग्विस्टिक कोड का क्या मतलब है लैंग्वस्टिक कोड का मतलब है जैसे जिसमें हमारे जो डायलैक्ट आ जाते हैं ईडियो आ जाते हैं मीन्स ऑल वाइटीज ऑफ लैंग्वेज जो है लैंग्विस्टिक कोड में आ जाते हैं फिर अकॉर्डिंग टू डायलैक्टॉलोजी हु स्पीकरस कैन अंडरस्टैंड ईच अदर आर डिफरेंट डायलैक्ट्स ऑफ द सेम लैंग्वेज मतलब जब एक ही डायलेक्ट के या एक दूसरे को जब हम समझ लेते हैं तो वो क्या है वो डायलेक्ट में आ जाता है लेकिन इसमें भी इख्तलाफ़ पाया जाता है जैसे अब चाइनीज़ लैंग्वेज के दो डायलेक्ट्स हैं कैंटोज और मैंटेरियन अब ये दो डायलैक्ट्स हैं लेकिन वो एक दूसरे को नहीं समझते तो यहाँ पर फिर ये मीनस एक जो है इंटरवेंशन होती है इसी तरह एंड दोज हुपीकर कैन नाट अंडरस्टैंड ईच अदर आर डिफरेंट लैंगवेज़ अब जब सपोज़ एक दूसरे को आप नहीं समझ सकते तो ओब्सली वो जो हैं डिफरेंट लैंग्वेज़ हैं और ये किसने कहा था जॉर्ज यूल्ड जो कि एक अमेरिकन है इसकी एग्ज़ैम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ अब यू एस इंग्लिश स्पीकर कैन अंडरस्टैंड ब्रिटिश इंग्लिश जो यू एस के लोग हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश को समझ सकते हैं बट इंग स्पीकरस कैन हार्डली अंडरस्टैंड चाइनीज़ लेकिन जो इंग्लिश स्पीकर है वो बमश्क से जो है चाइनीज़ को समझ सके क्योंकि चाइनीज़ डिफरेंट लैंग्वेज हैं चाइनीज़ थोड़ी कोई डायलैक्ट है अब सपोज जो अमेरिकन है या जो ब्रिटिश है उनकी जो इंग्लिश है वो भी एक डायलैक्ट ही हुई बेशक लैंगवेज़ तो हैं लेकिन अब इस एक और एग्जाम्पल ये है एशियन में जैसे अब इंडिया और पाकिस्तान है इंडियन पाकिस्तानी को समझ सकते हैं और पाकिस्तानी इंडियन को क्योंकि दोनों की लैंग्वेजेस या डायलेक्ट में सिमिलरिटी है इसी तरह एक परजियन अंग्रेज़ को नहीं समझ सकता और अंग्रेज़ परजियन को नहीं समझ सकता मतलब देखो डायलेक्ट के स्पीकर्स एक दूसरे को समझ सकते हैं लेकिन लैंग्वेज के स्पीकर्स एक दूसरे को नहीं समझ सकते इसी तरह देर आर डायलेक्ट्स दैट आर म्यूचुअल अन लाइक मैंडेरियन ये भी एक चाइनीज़ की एक डायलेक्ट है एंड कैंठोस ये भी चाइनीज़ की एक डायलेक्ट है अब यहाँ पे म्यूचुअल अन इंटेलिजिबल का क्या मतलब है जो मतलब डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और कंप्रीह किसी चीज़ को समझना मुश्किल हो तो मैंने यही बताया था पहले भी कि जो चाइनीज़ के जो दो डायलेक्ट्स है कैंठोस और मैंडेरियन ये एक दूसरे को नहीं समझ सकते हालांकि ये ख़ुद एक डायलैक्ट है चाइनीज़ के लेकिन एक दूसरे को नहीं समझते बट देर आर आसो सम लैंग्वेज़ दैट आर म्यूचुअल इंटेलिजल जैसे पाकिस्तान की उर्दू है और इंडिया की हिंदी है अब यहाँ पर हम क्या कह सक यही कहेंगे कि हम उनको समझ सकते हैं और वो हमें समझ सकते हैं हालांकि डिफरेंट लैंग्वेज हैं लेकिन फिर भी कुछ सिमिलरिटीज़ हैं जो हम एक दूसरे को समझ लेते हैं सो so, रिज़ल्ट देखा जाए दिस इज़ बेस ऑफ द रो रोल ऑफ पावर पॉलिटिक्स इन लेबलिंग डायलैक्ट्स एंड लैंग्वेज इसी तरह जो नॉर्वे के लोग हैं वो ये क्लेम करते हैं कि हम स्वीडिश को समझ सकते हैं स्वीडिश में क्या होता है वहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज़ बोली जाती तो नॉर्वे के लोग ये क्लेम करते हैं कि हम स्वीडिश को समझ सकते हैं सो आई होप रीजनल डायलक्टोलॉजी डायलैक्ट और रीजनल डायलैक्ट के बारे में आप लोगों को समझ आई होगी अब हम बढ़ते हैं विलियम लेबोव विलियम लेपो जिसकी डेट ऑफ बर्थ फोर्थ दिसंबर 1927 है और ये एक अमेरिकन लैंग्विस्ट है ही इज़ आल्सो कॉल्ड द फाउंडर ऑफ सोशल लैंग्विस्टिक्स सो एंड ही हैज़ बीन डिस्क्राइब एज एन एनॉर्मसली ओरिजिनल एंड इन्फ्लुएंशियल फिगर हु हैज़ क्रिएटेड मच ऑफ द मेथोलॉलोजी और इस तरह ये अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे जो 2015 में रिटायर हो गए बट इसने अभी भी मींस जो पब्लिकेशंस हैं जो रिसर्च है वो पब्लिश करता रहता है और इसी तरह ये नीचे सारा इसके जो एजुकेशन कैरियर है उसके बारे में लिखा गया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1948 में इसकी केमिस्ट्री स्टडी की थी इसी तरह जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट फैमिली बिजनेस 1949 से लेकर 1961 तक बिफोर टर्निंग टू लैंग्स मीन लैंग्विस्टिक्स थे लैंग्विस्टिक की तरफ आने से पहले ये क्या थे फैमिली बिजनेस में कैमिस्ट एज ए इंडस्ट्रियल केमिस्ट सो इसके बाद फॉर हिज एम एिस इज़ नाइनटीन सिक्सटी थ्री ही कम्प्लीटेड स्टडी ऑफ चेंज इन द डायलैक्ट ऑफ मार्थाइज वेन यार्ड विच ही प्रजेंटेड बिफोर द लैंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका इसी तरह पी एच डी इसने नाइनटीन सिक्सटी फोर कोलम्बियन यूनिवर्सिटी मीनस कोलम्बिया के एक यूनिवर्सिटी से किया था स्टडिंग यूरियल रिच और इसी तरह जो लैंग्विस्टिक्स एट कोलंबिया 1964 टू 70 बिफोर कमिंग एन एसोसिएट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ फेंसिलेनिया जो कि अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है 1971 तो इसी यूनिवर्सिटी से फिर ये रिटायर हुए थे 2015 में बट यहाँ पे इसने मतलब जो इसकी रिसर्च होती है उसको उसने नहीं रोका वो अब भी पब्लिश करते रहते हैं बट रिमेंबर वन थिंग ही इज़ द फाउंडर ऑफ़ सोशल लैंग्विस्टिक्स और इसके अगर वर्क की बात करें तो द मेथड ही यूज़ टू कलेक्ट डाटा फॉर हिस्टडी ऑफ़ दरयटीज़ ऑफ इंग्लिश स्पोकन इन न्यूयॉर्क सिटी इसने ज़्यादातर जो है रिसर्च की जो इंग्लिश अब ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान में भी इसी तरह आपको बहुत से मतलब ऐसे जैसे उर्दू लैंग्वेज है हमारी नेशनल लैंग्वेज तो ओबियसली ये डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट वे से इसका जो है डायलैक्ट्स और डायलैक्ट जो आपको मिलेंगे कुछ लोग जो है उर्दू को स्टैंडर्ड वे में यूज़ करते हैं कुछ लोग नॉन स्टैंडर्ड वे में यूज़ करते हैं तो इसी तरह अमेरिका में भी जो इंग्लिश है ज़रूरी नहीं कि वो एडवांस लेवल पे यूज़ होती हो वहाँ पे भी जो वर्कर्स क्लास होते हैं उनकी इंग्लिश तो डिफरेंट होती है जो एलिट क्लास होती है जो पोअर क्लास होती है उनकी इंग्लिश डिफरेंट होती है तो इसने वहाँ पर ज़्यादातर उनके बारे में रिसर्च किया उन पर रिसर्च किया फिर इसी तरह इसने जो है अफ्रीकन अमेरिकन वेनिकुलर इंग्लिश ये इस पर ज़्यादा रिसर्च की जो ब्लैक अमेरिकन होते हैं उनकी इंग्लिश आप उनको पता है वो बहुत डिफरेंट होती है जो दूसरे अमेरिकन होते हैं उनसे थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है तो उन पर इसने ज़्यादा रिसर्च की तो रिसर्च करने के बाद इसने यही कहा कि जो अफ्रीकन अमेरिकन वर्निकुलर इंग्लिश है उसको जो है स्टेगमेटाइज एज आ सब स्टैंडर्ड नहीं कह सकते हम मीन्स उसको हम नॉन स्टैंडर्ड नहीं कह सकते उसकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए उनके इंग्लिश की जितनी के दूसरे जो गोरे हैं उनकी होती हैं सो so, ये इसके रिसर्च में था ये सब कुछ इसी तरह जो पुनोलॉजी है उसमें जो चेंजिंग होती है उसके बारे में इसने यूनाइटेड स्टेट में जो है मींस uh, स्टडी uh, की एज़ वेल एज़ दरिजनज एंड पैटर्नज ऑफ चेंज शिफ्ट और जो वॉवल्स हैं उनके बारे में इसने स्टडी की तो ये इसके कुछ वर्कस हैं जो इसने किए हैं और ये भी कुछ वर्क जो इसने किए हैं अमंगज वेल नॉन स्टूडेंट्स ये इसके कुछ स्टूडेंट्स थे एंड हिज मेथड्स वर एडोप्टिड इन इंग्लैंड बाय पेटर ट्रेडगेल तो इसके जो मेथड्स थे जो मेथोडोलॉजी मेथडोलॉजी थी रिसर्च करने की इवन उसको अडॉप्ट किया गया था कहाँ पे इंग्लैंड में आ, किसने अडॉप्ट किया पेटर ट्रेडगेल ने फॉर द नॉर्विच स्पीच एंड के एम पेटेट फॉर वेस्ट यॉर्कशायर स्पीच तो इसमें जो इसके वर्क्स इंक्लूड हैं जिसमें इसने ज़्यादा मेथडॉलॉजी मीन जो रिसर्च की थी द स्टडी ऑफ नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश 1969 लैंग्वेज इन द इनर सिटी स्टडीज़ इन ब्लैक इंग्लिश वेनिकुलर 1972 और इसी तरह सोशियो लैंग्विस्टिक पैटर्न नाइनटीन सेवेंटी ऑफ लैंग्विस्टिक चेंज नाइन्टीन और इसी तरह एंड विद शहर एश एंड चार्लस पॉब The Athletes of North American English 2006 uh, Award in 2013 May Benjamin Franklin Medal in Computer and Cognitive Science by the Franklin Institute EU, with the citation for establishing the cognitive basis of language variation and change through rigorous analysis of linguistic data and for the study of non standard dialects with significant social and cultural. एम्प्लीशंस तो ये एक शॉर्ट सी रिसर्च थी जो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट की अबाउट विलियम लेकिन एंड ही स्टिल अलाइव ही स्टिल पब्लिश हिज ओन वर्कस और इसके बारे में आप ज़्यादा पढ़ सकते हो गूगल पे भी बट ये एक शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन थी इसके बारे में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा चैनल पे नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब खाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह टेक ऑफ़ योरसेल्फ